अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोगों में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा थर्ड व्लॉग है, तो October 1st, 2021, थर्ड व्लॉग, लेट्स गो। तो मैं पहले तो आप लोग का बहुत थैंक यू कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया है। और मजीद इसके आगे आगे आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर ये बता रहे थे कि यार थर्ड ब्लॉग कब आएगा, थर्ड ब्लॉग कब आएगा। तो गाइज़, हमारा थोड़ा सा एक इशू चल रहा है हमारे जॉब्स का कि हम लोग बहुत बिजी हैं, जैसे कि विशाल भाई, कैनी, मैं, हम सब बहुत बिजी होते हैं। तो संडे एक हमारा छुट्टी का ऑफ डे होता है, ऑब्वियसली सबको ही पता है संडे ऑफ होता है। तो इसको लेकर हम लोग एक ही ब्लॉग शूट करते हैं, जो कि हम मतलब संडे के संडे जो है ना इसको शूट करते हैं और फिर आने वाले दिनों में इसको अपलोड कर देते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में हम कुछ आप लोगों को ज़रूर ये बताएंगे कि मतलब विशाल भाई क्या करते हैं, कहनी क्या करता है, मैं खुद, मेरी जॉब क्या है। तो इसके लिए ज़रूर ये है कि मैं आप लोग को हमारे साथ रहना पड़ेगा, स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाले ब्लॉग में हम आपको अपनी सारी अपडेट्स बताएँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ज़रूर बताना चाह रहा था, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि क्यों ब्लॉग लेट हो रहा है। और मैं ज़रूर ये कैनी भाई का वेट कर रहा हूँ, विशाल भाई का वेट कर रहा हूँ। टाइम देखो क्या हो रहा है। आज हमारी जो वीडियो ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वो इस वजह से होने वाली है क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे जो चैनल पे गेट खुला है, आज हम अंदर ही आ रहे हैं। हेलो शिजाद जी, क्या हाल है, कैसे हो, कैसे हो। और विशाल भाई किधर यार, यार कोई नहीं सुनने के। तो गाइस आप देख सकते हैं कैनी भाई, कैनी गिल एंड विशाल गौरी, दोनों मेरे भाई आ चुके हैं। तो हमारी रात को कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मतलब कल रात की को लॉकडाउन हो गया था, वट एवर, लाइट चली गई थी, हमें नहीं पता क्या हुआ था, कैनी तो हमारी कॉल कट हो गई थी। हम गरीब यूट्यूबर है भाई, हमारे पास डेटा नहीं होता, सही है, हम वाईफाई पे ही चलते, तो हमारा वाईफाई बंद हो गया था, फिर हम सो गए थे। अभी ये हम लोग आए, ये सिर्फ जिम टाइम पे पहुंचते हैं, अदरवाइज ये टोटली लेट है मेरे भाई, दोनों के दोनों। तो मैं ये चाह रहा था कि विशाल भाई और कैनी भाई से हम लोग थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा मस्ती मजाक करें और थर्ड ब्लॉक के बारे में इनसे जानिए थोड़ा सा। तो जी कैनी भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आज हम शहजाद भाई को लेके जा रहे हैं हेयर कट पे। तो गाइज आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि शहजाद की कैसी कटिंग होनी चाहिए, उनकी बियर्ड को उड़ा दिया जाए कि नहीं उड़ा दिया जाए, और जो बड़ी बियर्ड पसंद करते हैं वो तो ये बोलेंगे कमेंट में कि नहीं उड़ाया जाए, और जो मर्द हजरात जिनको पूछो का शौक ही नहीं होता वो तो बोलेंगे बिल्कुल ही आलू बना दिया जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो गाइस, आपके कमेंट्स में बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर आए हैं। तो इसी तरह शहजाद भाई ने जैसे बताया कि आज हमारा थर्ड ब्लॉग है। सो गाइस, आज शहजाद भाई की हम बेड थोड़ा सेट वेट करवाने जा रहे हैं, उनका हेयर कट भी अच्छा सही देंगे। तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि कौन हजरात किस तरह के बेड चाहते हैं कि मैं तो चाहता शहजाद भाई बिल्कुल ही छोटी सी करा दे, लेकिन शहजाद भाई की तो जान ही निकल गई कि यार नहीं छोटी नहीं करवानी मुझे, तो हम इसे हल्का हल्का सा ट्रिम करवाएंगे। दी बार्बर शॉप है गुलशन इकबाल कराची में। सो गाइस, आज हम वहाँ जा रहे हैं शहजाद भाई को लेकर। बहुत ही VIP सलोन है, बहुत ही जबरदस्त सलोन है, और फिर आप हमारे साथ रहिएगा, फिर हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा आपको शहजाद भाई का हेयर कट और इनके बेड स्टाइल। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस, और आपके कॉमेंट सेक्शन में हमें मस्त बता दें कि कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग। सो तैयारी में, और कैनी भाई हमारे परेशान बैठे हुए, देखे कैनी भाई, हेलो हाय कर ले यार। सो गाइस, आप लोग हमारे साथ रहिए, वॉच करें और देखते रहिए शहजाद भाई की हेयर कट को। टेक केयर, जब तक के लिए बाय बाय।
shall we have breakfast together? So guys, अभी हम आ चुके हैं, आप देख रहे हैं किसान भाई बहुत खफा हो रहे हैं हमसे यार, लेट आए हो, हमें उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था और अभी देखो 2 बज रहे हैं 2। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किसान भाई और इनका पूरा सेटअप। ये हसन भाई है, ये इनका पूरा सैलून है, आप सैलून विजिट करें। फर्दर ये क्या लगा रहे हैं, इसका फेशियल वेशियल करने भाई, ये मुझे वाकई विशाल डाउट लग रहे यार। बंदा फेशियल जल्दी कराते हैं जब यहाँ, तो बंदे को किसी बच्ची के साथ जाना हो या बेगम को लेके डेट पे जाना हो, शहजाद आज खैर नहीं लग रही, बड़ा फेशियल वेशियल कराया जा रहा है। वरना यार हम तो शहजाद को बचपन से जानते हैं, कभी फेशियल वेशियल होता नहीं है, शहजाद के चेहरे पर देख रहे हैं कितनी खुशी आज, फुल ब्लशिंग। सो गाइस आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि शहजाद आज डेट पे जा रहे हैं अपनी बच्ची के साथ या भाभी को लेकर जाने का प्लान है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे और विशाल को भी नहीं आज बता रहा कहाँ जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं शहजाद के बालों में? सर ये हेयर प्रोटीन लगा रहे हैं और ये है हेयर फॉल के लिए, जैसे कि डैंड्रफ होता है या बाल डैमेज होता है जो उसके लिए, तो ये सब लगा सकते हैं, बस जिनके बाल टूटे हैं वो लगा सकते हैं, सब लगा सकते हैं। हाँ भाई बहुत अच्छा हेयर कट किया आपने, मेरा भी दिल कर रहा है मैं भी अभी बैठ जाऊँ शहजाद को उठा लूँ और मैं भी अपना हेयर कट करूँ, लेकिन क्या करें अभी टाइम नहीं है, तो मैं फिर आपके पास आऊँगा सर नेक्स्ट टाइम, अभी आपके पास भी टाइम नहीं, आपके भी क्लाइंट वेट कर रहे हैं जी। तो मज़ीद अभी इसका फर्दर इसके बाद क्या प्रोसेस है, इसका आप वॉश करेंगे या क्या करेंगे? स्टाइलिंग होगी जी, देख सकते हैं कितने लोग आए हैं सिर्फ सिर्फ एहसान भाई से हेयर कट लेने के लिए, एहसान भाई बहुत अच्छा काम करते हैं सारा, देख सकते हैं सलून को कितना सलून अपना बनाया। सो गाइज आपने देखा कि शहजाद का फाइनली हेयर कट हो गए डन, बेड वेड सब कुछ, जो भी फेशियल वगैरह था उसने करवा लिए, जहाँ भी उसने जाना था वो अभी तक हमें नहीं बता रहा कि उसने आज कहाँ जाना है। गाइज आप हमें कमेंट में बताएगा कि आपको शहजाद का हेयर कट पसंद आया कि नहीं। सो आसान भाई शुक्रिया आपके बहुत टाइम का, आपने हमें वक्त दिया, जब से हम लेट हो चुके थे तब भी आपने वहाँ से कॉपरेट किया, अपने दूसरे कस्टमर्स को वेट करा के हमें पहले टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके प्यार है आपका मोहब्बत है। रिश्तेदार अभी आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपने व्यूअर्स को बताएं कि आप कैसा फील करना चाहेंगे? यार मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, जितना मुझे इन्होंने आज सुकून दे दिया है ना, शायद ही कभी मिला हो, इतना नीट एंड क्लीन फेस हो गया कि पहचान भी नहीं आ रहे कि ये शहजाद भाई है। कि मैं घर से मुंह धो के आ रहा, फिर भी मैं मेरा मुंह देखें आप कितना गंदा लग रहा है, शहजाद ने फेशियल कराए चमक गए, पता नहीं कौन सी फायजा ब्यूटी क्रीम आज लग रहा है इसने लगा लिए। सब चीज़ें होने के बाद आप सबको मैं बता दूँ शहजाद ने को किस करूँगा मैं।
सो गाइस शहजाद का फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं कि शहजाद हमारे कितने फ्रेश एकदम मम्मी डैडी फुल एकदम स्मार्ट लोंडा बनकर आ गया है। सो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं, आपने शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो तो देखी है, तो आप हमें बताएं कैसा लगा आपको शहजाद का हेयर कट। और इसी तरह से गाइस हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियोज़ को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। और हम अपना नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके सामने, क्योंकि हमें पर्सनली बहुत से मैसेजेस आते हैं कि गाइस अपना व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग लेकर आएँ। सो गाइस कीप सपोर्टिंग अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।